मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए परमेश्वर के चरणों में आने का। प्रभु ने एक और सुनहरा अवसर हमें दिया कि हम प्रभु के वचन को मनन कर सकें। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 6वां अध्याय उसका 30 से 33 तक हम पढ़ें। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा और अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। इधर हमने जो पढ़े हुए वचन में परमेश्वर की आत्मा चेतावनी देती है हर एक व्यक्ति को जो अपने पापों को कोई ना कोई बहाने बोलकर छुपाने का कोशिश करता है। यदि एक व्यक्ति खाने के लिए चोरी करे, खाना तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर फिर भी उसे चोर कहता है, वो शब्द हमें अच्छा नहीं लगेगा। कई बार विश्वासी लोग भी यही सोचते हैं कि परमेश्वर प्यार है, हमें हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है और जब हम रोते हुए प्रभु के पास आ जाए तो वो उड़ाऊ पुत्र जैसे पिता के पास आए वैसे हमारा पिता हमें हर बार क्षमा करेगा। हमने इस दृष्टांत को पहले भी मनन किया है और हमें अच्छी तरह मालूम है ये उस समय के बारे में है जब हम पहली बार प्रभु के पास आए, जब हमें एहसास हुआ कि हम पापी हैं और हम क्रूस के तले पहली बार आकर अपने पापों को का पश्चाताप किए। उस समय हमारे पिता ने हमें गला लगाया, दयालु प्रभु ने हमें प्रेम किया और परमेश्वर के साथ के उस संबंध में हमें पुनर्स्थापित किया। लेकिन ध्यान रखें, हम कभी भी इस बात को एक बहाना ना बनाए कि हम पाप का आनंद लें, ये सोचकर कि हमारा प्रभु हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। कितनों ने अपने जीवनों को इस झूठे तसल्ली से बर्बाद किया है। और आजकल हम पवित्रता के विषय में इतना ज्यादा प्रचार सुनते भी नहीं हैं कि किस प्रकार एक विश्वासी को अपने जीवन को ध्यान से संभालना है। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि परमेश्वर प्यार है लेकिन उसी समय भस्म करने वाली आग भी है। यहां पर एक व्यक्ति को चोरी करते पकड़ा गया लेकिन परमेश्वर का वचन या व्यवस्था उस पर दया नहीं करता और कहता है उसे 7 गुना वापस देना पड़ेगा और अपने घर का सारा सामान देना पड़ेगा। हम इंसान उस व्यक्ति पर तरस खाएंगे क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसने चोरी की, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति अपने गलती का गंभीरता को समझे ताकि वो आगे को ये काम को ना दोहराए। तो क्या हम इस वचन को पढ़कर क्या हम आराम से बैठकर ये सोच सकते हैं कि हम चाहे कितना भी पाप कर ले अपनी मोह को पूरा करने के लिए, अपनी मोह की प्यास को बुझाने के लिए पाप कितना कर ले तो प्रभु हमें क्षमा करेगा? और फिर ये भी सोच सकते हैं क्यों बार बार पाप व्यभिचार और इसी बात के बारे में हम सुबह सुनते हैं? अगर हम ये परमेश्वर के वचन को एक नम्र दिल से ध्यान दें तब हम अपने आप उसकी गंभीरता को समझकर थरथराने लगेंगे। प्रभु का चेतावनी कितना स्पष्ट है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन को गहराई से नहीं लेता है वो आखिरी में ऐसी दलदल में ही गिरेगा। जब हम पाप का आनंद लेते हैं, शरीर की इच्छाएं, आंख की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, ये सब दिखाता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को प्यार करते हैं। अगर हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है तो हम पवित्र परमेश्वर जैसे पाप से नफरत करता है वैसे ही हमारे अंदर भी नफरत आएगी।
कई बार हमसे गलतियां होंगी क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जैसे मनन करने ना करने के कारण कमजोर हैं। बस ध्यान रखें कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और परमेश्वर के अनंत काल के सजा के ओर घसीट कर ले जा रहे हैं। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ, प्रभु यीशु के क्रूस पर जान देने के द्वारा, लेकिन हम फिर दोबारा संसार में पाप का आनंद लेने जाएं तो हम उद्धार के मार्ग से भटक रहे हैं। व्यभिचार का पाप हमारे जीवन से कभी हटता नहीं है, उसका परिणाम बेशक हमने माफी मांग ली, रो लिया, लेकिन उसका परिणाम हटता नहीं है। बेशक वो अब हम अपने जिंदगी भर सही तरीके से चले तो भी मरते दम तक नामधराई होती रहती है। बेशक वो जख्म सूख गए, अब उसमें से वो बदबू नहीं निकलती, लेकिन वो निशानियां उस जख्म के तो रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी नामधराई कभी मिटेगी नहीं। हमने इस वचन के गंभीरता को समझना है। दाऊद का जीवन जरा देखे, हमारे सामने एक उदाहरण है। कितने भजन संहिताएं लिखे, इसराइल की प्रजा को वफादारी से सेवा किया, और मनुष्य और परमेश्वर का प्यारा राजा था, लेकिन उसके पाप का नाम धराई आज तक है। उसने कितने अच्छे भजन संहिताएं लिखी, लेकिन वो कुछ भी उसके उस पाप को छुपा नहीं पाती। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमने जिन्होंने उद्धार के उस स्वाद को चखा है, हमारे प्रभु ने हमें बहाल करने के लिए भारी कीमत दिया, सो आइए हम जानबूझकर पाप ना करें और प्रभु यीशु के लहू को तुच्छ ना समझें। वो हमारे ऊपर सजा लाएगा। हम अपने कल्पनाओं पर भरोसा ना रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि प्रभु माफ कर देगा। अगर प्रभु ने इसराइल की प्रजा को नहीं छोड़ा जिनके साथ वाचा बांधी थी, कुलाड़ी रखा जो था उसे काट भी डाला, तो हमें कितना नम्र और भय के साथ एक एक जीवन दिन जीवन बिताना है। मैं आपके जीवन में भय डालने के लिए ये नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम जागते हुए चलें। हमारे अंदर का पुराना स्वभाव हमें कैसे ना कैसे घसीट कर ले जाने का प्रयास करता है। सो आइए हम प्रभु के वचन को हम प्रतिदिन पढ़ें, जो हमें प्रभु के रास्ते हमें दिखाएगा, हमें आत्मा में बलवंत करेगा, ताकि पाप हमें वापस घसीट कर लेकर ना जाए। ध्यान रखे, जिस सुलेमान ने के द्वारा ये वचन प्रभु ने लिखवाया, उसका अंत कैसे हुआ, कितना चेतावनी मिला तो भी उसने गंभीरता से नहीं ली। आइए हमारा जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए होने दे, जिसने हमें हमारे लिए सब कुछ दिया ताकि हमारा प्राण अनंत काल के नरक से बच जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, बार बार आप हमें याद दिला रहे हैं कि हमने पवित्र जीवन बिताना है, हमारे जीवन में कमियां हैं। कई बार हम इन वचनों को हल्का समझकर पुराने रास्ते में चले जाते हैं। प्रभु, उस बात की गंभीरता को समझकर आपको पसंद करने वाला जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, आपकी अनुग्रह हम एक एक पर बनी रहे। यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।